जैसे आप फॉर्मेट डेटा पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो है वेरिफिकेशन कोड मांगेगा। वेरिफिकेशन कोड आपकी होम स्क्रीन पे जो शो करेगा, तो आप यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएगा हार्ड रीसेट फॉर्मेट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा डेटा जो है इरेज होने वाला है। सो दोस्तों, अगर आप भी रियलमी का C12 डिवाइस यूज करते हैं तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं बात करने वाला हूँ रियलमी C12 डिवाइस को यहाँ पे आप जो है हार्ड रीसेट कैसे कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाला हूँ और यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है हार्ड रीसेट करने से रिलेटेड आपको रियलमी C12 में जो है देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, आप इनको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे जो है साथ में और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे जो रियलमी C12 है इसको आप हार्ड रीसेट कैसे कर सकते हैं। फिलहाल ये देख सकते हैं हमारे पास डिवाइस है, और मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, हार्ड रीसेट जब भी आप अपने डिवाइस को करने वाले हों तो अपने डिवाइस में जितना भी डेटा है उसका हार्ड बैकअप आप जो है किसी भी हार्ड स्टोरेज में किसी भी जो है उसमें आप बना के रख लीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ, जैसे आप अपने डिवाइस को हार्ड रीसेट करें तो सबसे पहले आपको अपने डिवाइस का जो डेटा है पूरा आपको किसी भी यहाँ पे पीसी या फिर हार्ड डिस्क में कॉपी कर लेना है, ताकि आपका यहाँ पे जो डेटा डिलीट हो उसको आप रिकवर कर पाए। क्योंकि अगर आप अपने डिवाइस को हार्ड रीसेट करते हैं तो आपका डेटा जो है डेफिनेटली यहाँ पे डिलीट होने वाला है। कई यूजर्स के मन में डाउट होता है कि यहाँ पे डेटा डिलीट होगा या फिर नहीं होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका डेटा जो है डिलीट होने वाला है। तो चलिए, अभी मैं बात करने वाला हूँ कैसे आप अपने डिवाइस को हार्ड रीसेट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको अपने डिवाइस का जो यहाँ पे पावर जो है ऑफ बटन है इसको सिंपली लॉन्ग प्रेस कर लेना है, अपने डिवाइस को सिंपल यहां से पावर ऑफ कर लेना है, ठीक है। जैसे आपका डिवाइस पावर ऑफ होने लगेगा तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है नजर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभी आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा वेट कर लेना है, एंड जैसे ही आप यहाँ पे वेट करेंगे आपका डिवाइस पूरी तरीके से जो है स्विच ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही आपका डिवाइस स्विच ऑफ हो जाए उसके बाद आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे जो है आपको पावर वाला की प्रेस कर लेना है, वॉल्यूम डाउन की जो है प्रेस कर लेना है सेम टाइम में सेम समय में, ठीक है। तो आपको सिंपल इस पे प्रेस कर लेना है और आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक आपका डिवाइस टर्न ऑन होगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डिवाइस जो है पूरी तरीके से जो है टर्न ऑन हो चुका है, रियलमी की जो है ब्रांडिंग भी लिख के आ चुकी है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक कि आपका डिवाइस जो है रिकवरी मोड में जाता है तब तक का, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही आप वेट करेंगे तो आपका डिवाइस जो है पूरी तरीके से रिकवरी मोड में चला जाएगा। नीचे साइड में आप देख सकते हैं रिकवरी मोड भी जो है लिख के आ रहा है। अब जैसे टर्न ऑन हो जाएगा तो आपको छोड़ देना है, ठीक है। अब जैसे आप इसको छोड़ेंगे तो आपका डिवाइस जो है थोड़ी देर में रिकवरी मोड में चला जाएगा। रिकवरी मोड में जाने के बाद आप वहां से अपने डिवाइस को पूरी तरीके से यहाँ पे फुल्ली हार्ड रीसेट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ से लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, आपको लैंग्वेज चूज कर लेना है, एंड लैंग्वेज चूज करने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है तीन ऑप्शन, ये देख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको मिलता है वाइप डेटा। एंड यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि कुछ यहाँ पे वाइप डेटा मिल जाता है तो आपको करना क्या होगा कि इस वाइप डेटा पे जो है क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, जैसे आप इस तरीके के पेज पे आ जाएंगे तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे आपको वाइप डेटा पे क्लिक कर लेना है। वाइप डेटा पे क्लिक करने के बाद आपको जो है फॉर्मेट डेटा पे जो है क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस पे जो है जैसे फॉर्मेट डेटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे वेरिफिकेशन कोड मांगेगा, वो वेरिफिकेशन कोड आपकी होम स्क्रीन पे शो करने वाला है। जैसे आप इस वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएगा हार्ड रीसेट फॉर्मेट का, ठीक है। तो आपको सिंपली हार्ड रीसेट फॉर्मेट पे जो है टैप कर देना है। जैसे आप इस पे टैप करेंगे तो आपका डिवाइस जो है फॉर्मेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका पूरा डेटा जो है इरेज होने वाला है। रियलमी C12 डिवाइस यूज करते तो इसका पूरा डेटा जो है यहाँ पे इरेज होने वाला है, फुल्ली तरीके से न्यूली होने वाला है आपका डिवाइस, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करना है, पेशेंस रखना है। यहाँ पे मे भी अपने डिवाइस को आपको 60+ जो है चार्ज करके रखना है, ठीक है। वाइप डेटा कंप्लीट हो गया है, सिंपली इसको ओके करना है। और यहाँ से जैसे आप ओके करेंगे आपका डिवाइस पूरी तरीके से जो है रिबूट हो जाएगा। रिबूट होने के बाद आपका डिवाइस जो है रीस्टार्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे रियलमी की जो है ब्रांडिंग जो है बनकर चली आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डेटा पूरा कंप्लीट जो है यहाँ पे डिलीट होने वाला है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है जरूर से। तो फिलहाल देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है जब तक कि हमारा डिवाइस टर्न ऑन होता है, उसके बाद अब आप यहाँ पे पूरा चीज को जो है सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हमारा डिवाइस जो है पूरी तरीके से टर्न ऑन हो चुका है। अभी आपको यहाँ से लैंग्वेज जो है सिलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे लैंग्वेज जैसे आप चेकआउट करेंगे तो आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपको एग्री पे जो है क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर लेना है। अब फिलहाल आपका डिवाइस जो है पूरी तरीके से न्यू लेआउट के साथ जो है पूरी तरीके से यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्किप कर लेना है, ठीक है, पूरी चीजें। तो ये चीजें होती है, इस तरीके से आप अपने डिवाइस को जो है यहाँ पे हार्ड फॉर्मेट कर सकते हैं। मे बी आपका डेटा पूरी तरीके से जो है क्लीन होने वाला है। तो यहाँ पे पूरा मैंने ट्रिक आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको जो है फॉर्मेट करना है।
करना है, ठीक है। तो सारी ट्रिक आपको इस वीडियो के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो गई होगी, तो जरूर से इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे इस तरीके से जो है आप अपने डिवाइस में जो है यहाँ पे हार्ट रीसेट अगर आपको करना हो तो पूरी तरीके से कर सकते हैं। बाकी आप इसके बाद का जो प्रोसेस वगैरह है स्किप वगैरह करके जो है आगे निकल सकते हैं। तो दोस्तों आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।